आगे कहेंगे वाह क्या है लाजवाब, ऐसे बनते हैं आलू के क्रिस्पी कबाब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाही। अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूँ नाज। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आलू के कबाब। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं आलू के क्रिस्पी कबाब। आलू के कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम आलू लिया और इसे बॉईल करके आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था। और आइए अब इसे ग्रेटर की मदद से हम ग्रेट कर लेते हैं। फ्रीज में रखने से आलू के कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। हम सारे बॉईल किए हुए आलू को ग्रेट कर लेंगे। इससे बहुत अच्छे कबाब तैयार होते हैं। सारे आलू ग्रेट हो चुके हैं। अब इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लेंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टीस्पून जीरा पाउडर वन स्पून चिली फ्लेक्स लेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है कबाब में। हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर हाफ टीस्पून या क्रश करा हुआ धनिया ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून नमक लेंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चॉप किया हुआ हरा धनिया और पुदीना ऐड कर देंगे। एक छोटी प्याज लेके हमने चॉप कर ली, प्याज भी ऐड कर देंगे। इससे आलू के कबाब बहुत अच्छे टेस्टी बनते हैं। वन स्पून चावल का आटा लिया है। इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी कबाब तैयार होते हैं। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू में अच्छी तरह से हमने मसालों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसके कबाब तैयार कर लेंगे। पहले हाथों पे हम अब तेल लगा लेंगे और मीडियम साइज़ के हम कबाब बनाएंगे। आप जैसे चाहें वो साइज़ रख सकते हैं, छोटे बड़े आप जैसी साइज़ चाहें। हम यहाँ पर मीडियम साइज़ के कबाब बनाएंगे। चावल का आटा ऐड करने से बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है कबाब में और क्रिस्पी भी बनते हैं। इसी तरह हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। आप हमारी ट्रिक से एक बार ज़रूर आलू के कबाब ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इस ट्रिक से आप आलू के कबाब बनाएंगे तो बहुत क्रिस्पी बनेंगे और बहुत टेस्टी भी बनेंगे। सारे कबाब हमने बना लिए। अभी से हम शेलो फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर शेलो फ्राई करेंगे। एक पेन ले लिया फ्राई करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और सारे कबाब ऐड कर लेंगे। हम यहाँ पर सेलो फ्राई कर रहे हैं। आप अगर चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। सेलो फ्राई में भी क्रिस्पी कबाब बनते हैं और डीप फ्राई में भी क्रिस्पी कबाब बनते हैं। लो टू मीडियम पे हम फ्राई करेंगे कबाबों को। एक तरफ से कबाब फ्राई हो चुके हैं, माशाल्लाह गोल्डन कलर आ चुका है। सारे कबाब को हम पलटा देंगे और दूसरी तरफ से भी हम गोल्डन फ्राई होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम नहीं रखनी है। ऑयल को अच्छी तरह हम फैला देंगे कबाबों में। ये आलू के कबाब बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं खाने में। दूसरी तरफ भी हम चेक कर लेते हैं। दूसरी तरफ से भी माशाल्लाह अच्छे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। कबाबों को डिस आउट कर लेते हैं। क्रिस्पी कबाब बन के तैयार हैं। लीजिए, बनके तैयार है आलू के मज़ेदार क्रिस्पी कबाब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। शाही को और नास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।